हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेम्पटिंग सा नाश्ता। बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है और बहुत झटपट से बन जाता है। इसके लिए ना हम गेहूं का आटा लेंगे, ना ही सूजी लेंगे। और ये देखिए कितना क्रिस्पी, कितना टेस्टी नाश्ता बन के रेडी है। बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार और एक कप लेंगे हम कच्चे चावल। तो ये आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के एकदम बारीक पीस लेंगे। रोक रोक के दो तीन बार पीसेंगे तो ये एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से पीस गया है। ये देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। अगर आपको ज़रा भी लग रहा हो कि ये मोटा रह गया है तो आप इसको एक बार से छान लें। अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सिंग का बाउल लेंगे और इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें कलर भी अच्छा आएगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही चम्मच बेसन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें जितना हमने चावल का आटा और बेसन लिया है उसके डबल डालना है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा, नहीं तो पानी एक बार में डाल देंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो देखिए अभी 1 कप मैंने डाला है और ये 2 कप पानी लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी गुठली ना रह जाए इसमें। ये देखिए इस तरीके से इसको फेंटते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारी गुठलियाँ निकल जाएंगी। और इसमें बाकी का पानी भी डाल देते हैं हम। यहाँ पे 1 कप चावल लिया था, 2 कप पानी डाला है और 2 चम्मच बेसन लिया था, तो 4 चम्मच के जितना पानी हम और डाल देंगे इसमें। ये देखिए ये थोड़े थोड़े बेसन के छोटी छोटी गुठलियाँ रह गई हैं, ये भी अभी मिक्स करेंगे तो सारी निकल जाएंगी। अब घोल तैयार हो गया है, इसको हम ढक के रख देंगे अभी 10 मिनट के लिए। अब इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुका है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जब रखेंगे तो इस तरीके से इसका पानी ऊपर आ जाएगा और जो गाढ़ा गाढ़ा चावल है ना वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसको जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एक बार से इसको हम चला लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ली हैं, 1 बारीक कटी हुई प्याज, आधी छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटे साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और धनिया पत्ती डालेंगे खूब सारी। इसके अलावा आपको जो भी सब्जियाँ इसमें पसंद हो वो डाल सकते हैं, अपनी मनपसंद की कोई भी आप सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये हेल्दी भी बने। खूब सारी सब्जियाँ डालेंगे तो ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से बच्चे सब्जियाँ भी खा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई अच्छे से। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें साबुत जीरा और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो बस हमें इतने ही मसाले डालने हैं इसमें। तो इस तरीके से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से। यहाँ पे थोड़ा बड़ा चम्मच ले लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो बस ये जो है बैटर बन के रेडी है। बैटर को इतना ही पतला रखना है हमें, आप देख सकते हैं। तो ये बैटर बन के रेडी है। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस पर एक तवा रख के बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब जितना और इसको अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए चारों तरफ इस तरीके से अच्छे से फैला दें।
अब हमने जो बैटर बनाया है उसको लेंगे और एक इस तरीके का गहरा कप या कटोरी ले लेंगे, जिससे कि हम इसको इस तरीके से फैला के डाल सकें। तो ये देखिए, इसको एक बार से फिर से चला लेंगे और इस तरीके का गहरा बर्तन लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से इसको तवे पे डाल सकें। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, ना हाई करेंगे ना लो रखेंगे। अगर लो रखेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तवे को चारों तरफ से घुमाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक बराबर अच्छा से सीके। थोड़ी देर में जैसे ही ऊपर से थोड़ा सा सूखा सूखा दिखेगा, हम एक से दो बूंद इस पे तेल ऐसे टपकाएंगे और इसको ब्रश की हेल्प से इस तरीके से इस पे चारों तरफ फैला देंगे। तो ये जो है ऊपर से रूखा रूखा नहीं बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से फैला देंगे इसको। अब हम इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस ये देखिए, यहाँ पे इसे सीखते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्पी सीखा है। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जब ये अच्छे से नीचे से सीख जाए तभी हमें इसको पलटना है। तो ये देखिए, तवा भी ना बहुत अच्छे से छोड़ देगा ये। तो अब ये बहुत अच्छे से सीख गया है, हम इसको तवे से निकाल लेते हैं और बाकी सारे डोसे इसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे सांभर चटनी या जो भी आपको पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है ये नाश्ता। तो इस तरीके से आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए। तो बस जल्दी मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।